नमस्कार आदाब ऑप शस्त्र और खुशाम वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल दिस इज लाइव इन फ्रंट ऑफ ऑफ ऑल यू तो कैसे हो मेरे बच्चों और कैसी चल रही है बाबा जी प्रणाम खुश रहो बेटा जी कैसे हो ऑल गुड ओके तो चलिए तो so, मेरे प्यारे बच्चों सेशन शुरू हो चुका है मैं आ चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री आज पढ़ेंगे अपन मजेदार तरीके से मेंटी हाँ बिल्कुल है हमारे पास मेंटी डोंट वरी चलिए तो शुरू करते हैं लेट्स गेट इन टू द सेशन चलिए हाँ ट्रिगोमेट्रिक बिल्कुल ट्रिगो करने वाले हैं हाँ जी तो अभी दोपहर का सेशन मतलब धमाकेदार सेशन के बाद अब आप लोग वापस आ गए हैं अच्छा लग रहा है देख के तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं सारे लोग तैयार हो यस और नो Hmm. चलिए तो शुरू करते हैं लेट्स गेट इनटू द सेशन हियर वी गो अब आपकी जानकारी के लिए ट्रिग्नोमेट्री आज शुरू कर रहे हैं अपन पहला सेशन है इसमें हम लोग बेसिक करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सम स्पेसिफिक एंगल्स तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम लोग करने वाले हैं इसमें ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री की एक अच्छी चीज है एक बुरी चीज है बुरी चीज पहले बता देता हूं ट्रिग्नोमेट्री की बुरी चीज क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मुले बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा फॉर्मूले है और इसके वजह से आप बहुत परेशान हो जाएंगे आपको लगेगा कि यार क्या है कभी ये कभी वो फॉर्मूला लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी चीज क्या है कि अगर ये फॉर्मूले सारे आपको याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री इजी है <coughs> मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं ट्राइंगल्स की तो ट्राइंगल्स बहुत ज्यादा कठिन चैप्टर है क्यों कठिन है क्या वहां बहुत फॉर्मुले हैं बहुत थ्योरम है आई वुड से नो लेकिन ट्रायंगल्स में आपको हर एक जगह दिमाग लगाना पड़ता है कि यार यहां पे कैसे करें कौन सी सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है कौन से साइड का रेशियो लेना है यहां पे हमें क्या दिमाग लगाना है क्या नया कंस्ट्रक्शन करना है हर चीज सोचना पड़ता है थ्योरम के नाम पे कुछ नहीं है बस एक बीपीटी है और एक सिमिलैरिटी है दैट्स इट तो वहां थ्योरम और फॉर्मुले कम है बट दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है इसीलिए कठिन है और उस जगह पे आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ज्यादा हैं <coughs> बस आप एक बार किसी तरह से फॉर्मुले याद कर लो उसके बाद काम आसान है और वो फॉर्मूला कैसे याद होगा वो मैं आपको बताऊंगा डोंट वरी ठीक है अब ये फॉर्मूले याद करने का सबसे आसान तरीका होता है सबसे आसान तरीका क्वेश्चन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन जितने सवाल आप सॉल्व कर लेंगे उतना फॉर्मूला आपके दिमाग में उतर जाएगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साइन थीटा और कॉस थीटा पूरी दुनिया जानती होगी कि साइन होता है कुछ कॉस होता है कुछ टैन होता है भले आपने इसे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो फिर भी क्यों याद है क्योंकि बहुत सिंपल सा रीजन है कि आपने साइन कॉस और टैन के बारे में इतने बार सुना है इतने बार सुना है कि अब तो ये बस चिंटू मिंटू और छोटू लगते हैं है ना चिंटू मिंटू एंड छोटू क्यों क्योंकि भैया हमने बहुत बार सुना है जाने नहीं जाने वो अलग बात है तो आज इनके बारे में बताते हैं और देखते हैं कि आप इसको कैसे आज के सेशन में इसको याद कर ले ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का शेड्यूल तो भैया हमारा हफ्ता कंप्लीट होने को आया ओवर पावर्ड सेशन आज दोपहर में और अभी शाम को पांच बजे आपका ट्रेग्नोमेट्री का सेशन हो रहा है और इससे हमारा ये वाला हफ्ता तो कंप्लीट हो रहा है अब अगले हफ्ते में मुलाकात होगी तो शनिवार और रविवार को क्या कर रहे हैं आप लोग मजे कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं क्यों सर खुश खूबसूरती का राज फेयर एंड लवली अच्छा फेयर एंड लवली अच्छा बढ़िया है पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा बढ़िया है नहीं अच्छी बात है पढ़ाई करने वा चाहिए चलिए चलिए तो लेट्स गेट इनटू द सेशन शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ये हूं मैं और यह है मेरी प्यारी सी स्लाइड और आज हम करेंगे पढ़ाई ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हाँ लेट्स तो देख लो भैया सीबीएसई uh, वालों से बात हो गई है मेरी और उन्होंने बोला है कि ठीक है हर्षर आप जैसा बोले को बिकॉज सीबीएसई वाले मतलब हर साल मैं सीबीएसई के पास बहुत सारे बच्चे भेजता हूँ तो लाखों की संख्या में मैं बच्चे भेजता हूँ सी बोर्ड के पास कि भाई टेंथ का बोर्ड एग्जाम देना है अभी जैसे यहाँ पे इतने साढ़े छह सौ बच्चे हैं तो सारे जाएंगे सी के पास टेंथ बोर्ड देने तो सी सी मेरे से मतलब खुश है कि हाँ भाई आप बहुत बच्चे भेज रहे हो हमारे पास टेंथ बोर्ड्स के लिए तो उसके लिए मैंने टर्म्स एंड कंडीशन रखा है कि जो जो बच्चा मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करेगा उसको इस बार बोर्ड देने ही नहीं मत देना तो उन्होंने बोला ठीक है और जो जो बच्चा वीडियो नहीं लाइक करेगा उसके दस नंबर काट लिए जाएंगे तो वो तुम देख लेना सीबीएसई मान चुका है मेरी बात बाकी तो आप, आप समझदार हो तो जो जो मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उसको बोर्ड ही नहीं देने को मिलेगा और जो वीडियो लाइक नहीं करेगा उसके दस नंबर गए हाँ ऐसा सही है बात हो गई मेरी इसीलिए तो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ आज ही सुबह फोन आया था तो मेरे को बोला कि सर हम बहुत खुश हैं आप मतलब बहुत सारे बच्चे भेजते हो हमारे पास में बोला हाँ तो अच्छी बात है तो मैं बोला फिर मेरा भी एक शर्त है तो बोला हाँ बताइए तो यही शर्त मैंने रखी थी ठीक है तो सारे लोग कर दिए अरे वाह देखो 568 559 से 568 दैट्स ग्रेट फैंटास्टिक अच्छा अभी मेरे को नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं वाह 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 वेरी गुड यार फैंटास्टिक बहुत ही बढ़िया अभी अभी सेशन में 18 18 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं 27 सही है सही है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ लाइक्स भी बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं 559 से 602 जीरो टू दैट्स ग्रेट ओके okay. 48 गजब 27 से 48 सही है चलिए तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड नंबर ऑफ लाइक्स दोनों बढ़ गए अच्छी बात है बढ़ते हैं आप शुरू करते हैं तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का आगे भी पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की अम्मा कौन है ट्रिग्नोमेट्री के बाबू कौन है भाई बहन है कि नहीं की एक है दादाजी क्या करते हैं दादी कहाँ है तो ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन में बता उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में रियलिटी में क्या पढ़ना है फिर वैल्यूज ऑफ टी रेशियो एंड स्पेसिफिक एंगल्स ये रुको भाई हां जी क्या दिक्कत है तो यार लैग क्यों हो रहा भाई मेरा सेशन क्यों लग मेरा सेशन लग या क्यों रहा भाई यार मेरा सेशन लग या रहा है मैं क्या करूं बताओ इंटरनेट स्पीड ओ भाई साहब इंटरनेट स्पीड कम है यार क्या करें क्या करें बताइए मिश्रा जी लैग हो रहा है नेटवर्क चेंज करें अरे भाई बेशर्मो इंटरनेट दे दो इतना पैसा काई के ले लेते हो हम्म चलो इंटरनेट वापस आ गया है हाँ भाई अभी अभी अभी, अभी सही है अच्छा दो मिनट रुक जाओ मैं थोड़ा गाली दे लू उन लोग को मनी मन हाँ ठीक है गाली दे लिया उन लोग को उन लोग का भला नहीं होगा चिंता नहीं करो ठीक है आप लोग रिफ्रेश कर लो माफी चाहते हैं यार आज सुबह से ही इंटरनेट डांस कर रहा है पता नहीं क्यों ठीक है मैं गाली दे लिया मन में गाली दे लिया ठीक है तुम लोग भी हो सके तो मेरे साइड से थोड़ा गाली दे देना लिख के नहीं पता चला यहां लिखे तो तुम ब्लॉक हो जाओगे तो लिख के गाली मत दो मन ही मन गाली दे दो आ, किसको गाली देना वो सुन लो आ, अभी मैं एक्ट का इंटरनेट यूज करूं एक्ट वाले को गाली दो जियो वाले जियो वाले तो ऐसे ही मतलब नकार रहे हैं छोड़ो हटाओ तो एक्ट एक्ट फाइबर नेट करके उसको गाली दो ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन। शुरू करते हैं चलिए आज हमारा पहला सेशन है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्पेसिफिक एंगल्स शुरू करते हैं अब पहले एक बात समझो कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है और क्यों पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात बताते हैं बुर्ज खलीफा के बारे में सुना है बुर्ज खलीफा, खलीफा के बारे में सुना है हमारे चचा का है तो हमारे चाचा ने जब बुर्ज खलीफा बनाया था तो हमने पूछा चच्चा इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो कहीं गिर गया तो कैसे क्या दिक्कत मतलब दिक्कत हो सकती है तो चचा ने बोला नहीं बेटा नहीं गिरेगा तो हमारे चचा ने समझाया हमारे चचा दुबई के शेख हैं कभी मिलवाएंगे ठीक है तो मुद्दे की बात क्या है कि उन्होंने बुर्ज खलीफा एकदम सीधा सीधा खड़ा किया है जमीन पे एकदम नब्बे डिग्री पे तो हमने एक दिन चचा से पूछा कि चचा अगर ये नब्बे डिग्री नहीं हो मान लो ये थोड़ा सा ऐसे हो मतलब थोड़ा सा साइड हो लाइक ला, 85 डिग्री हो जाए तो क्या कोई दिक्कत होगी चाचा बोले निपट जाओगे बेटा तुम भी निपट जाओगे हम भी निपट जाएंगे हम बोले क्यों उन्होंने बोला फिर वो फिजिक्स फिजिक्सिक्स समझाने लगे बोले कि इधर से ये लोड आएगा ये नॉर्मल होगा ये फोर्स लगेगा और पता नहीं क्या 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 मैं बोला ठीक है चलो हटाओ 85 छोड़ो आप 85 को 89 कर लो चलो वो भी लोड नहीं है आप ऐसा करो बस थोड़ा सा बिल्डिंग को ऐसे बाजू कर दो ठीक है तो चाचा बोले कि नहीं बेटा तब भी दिक्कत होगी मैं बोला अच्छा ठीक है अब आप फिजिक्स फिजिक्स खेलोगे मेरे साथ तो मानोगे तो आपको नहीं मैं बोला आप पता कैसे करोगे कि नाइनटी का एटी नाइन हो गया वो कैसे पता करोगे तो चचा बोले क्या बोले कि बेटा हम बुड़बक नहीं है हम है दिमाग वाले तो तुम सुनो हमारी बात हम बोले बताइए बोले कि देखो अगर ये 89 डिग्री वाला तुम्हारा ये लाइन है तो मेरा लाइन 90 डिग्री वाला ये वाला है एकदम कम है यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा मैं बोला ठीक फिर वो बोले कि जो बुर्ज खलीफा का जो टॉप है ना और जो मेरा टॉप मतलब तो दिख जाएगा मैं बोला हाँ चाचा दिमाग तो ऐसा सही लगाया आप तो मुद्दे की बात क्या है कि यहां पर जो एंगल है ना एकदम छोटा सा हो सकता है वन डिग्री का एंगल हो जो आपको पता ही ना चले लेकिन अगर ये एंगल अगर आप ये लाइन बड़ी कर दो तो सामने ये जो इसके ठीक सामने वाला जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है ये एक अच्छा खासा डिस्टेंस दे देगा हम्म दे देगा तो ये जो अच्छा खासा डिस्टेंस दे रहा है ना ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा पावरफुल पॉइंट है और ट्रिग्नोमेट्री हमारे बाकी सारे काम को आसान ऐसे ही बनाता है छोटे छोटे एंगल्स जो आप नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे या फिर कैलकुलेट कर भी लिया तो बड़ी मुश्किलात आएगी वो आप साइड की मदद से बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो क्या ये बात सबको समझ में आई हा या ना मेंटी बेटा मेंटी अभी सज रही है लाइक अभी अभी नहा कर आई है मेंटी तो अभी ना, अभी वो अपना श्रृंगार कर रही है तो मेंटी को हम बुलाते हैं ठीक है थेके? मेंटी अभी अभी, अभी बस थोड़ी देर पहले बाहर से आई है तो नाउ शी इज शी इज फ्रेशिंग अप तो अभी बस लिपस्टिक लगाना बाकी है उसका मेरे को अभी बताया था उसने कि बस आ रही हूँ थोड़ा बच्चों को बोलिएगा रुकने के लिए तो मेंटी आ रही है बस वो लिपस्टिक और पाउडर वगैरह लगा के आएगी बस पांच दस मिनट और वेट कर लीजिए आ रही है मेंटी आ रही है बुलाया है हमने उसे ठीक है बुलाया बुलाया तब तक पांच दस मिनट हमारा शो देख लीजिए मेंटी आएगी तो फिर उसका देख लीजिएगा ठीक है चलिए इधर देखिए क्लियर है तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत यूज समझ में आया इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और यूज कहाँ होता है जैसे बड़ा सिंपल सा है तुम देखे होगे कई लोग कि ऐसे रोड पे दौड़ते 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 अचानक से तुम उड़ जाते हो कभी महसूस किया है तुम बहुत तेज दौड़ते हो तो अचानक से रोड पे दौड़ते 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 तुम उड़ जाते हो ऐसा महसूस किया है तो नहीं मैंने काफी बार नहीं महसूस किया है ना सब गरीब इंसान हो गए हो तुम लोग बट प्लेन में बैठो कभी प्लेन दौड़ते 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 उड़ने लगता है कभी बैठ के देखना मैं बैठा हूं अमीर आदमी हूं देखा मैं प्लेन में बैठा हूं तो कभी दौड़ते 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 जाओगे ना तो उड़ने लगोगे फिर प्लेन में अच्छी बात यही होती है अब ध्यान देना कि कभी जो पैसेंजर प्लेन होता है वो दौड़ते 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 उड़ता तो है और उड़ के वो ऐसे जाता है ठीक है और वही हमारे भाई बंधु इंडियन मिलिट्री वाले वो दौड़ते 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 उड़ते हैं और उड़ के ऐसे चल देते हैं अब मैं भी कई बार सोचता था कि जो पायलट चच्चा है

मिलिट्री पायलट्स को ट्रेनिंग रहती है इस चीज की दैट्स उनका बहुत ही टफ ट्रेनिंग भी होता है तो अब ये जो अंदर चचा बैठे हुए हैं प्लेन के अंदर वो कैसे पता करेंगे कि एंगल एकदम सही मेंटेन हो रहा है इसके लिए अगेन टेक्नोमेट्री इस्तेमाल होती है दो एग्जाम्पल दिया समझ में आया थोड़ा मोटा मोटी मोटे बुद्धि में कुछ घुसा हाँ हम्म चचा समझ में आया बहुत बढ़िया वेरी गुड बेटा सबको समझ में आया अच्छी बात है ठीक है चलिए अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब शुरू करते हैं देखो अब यहां से काम की बात है अब नो बकवास आप हमेशा याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट ट्रायंगल में इस्तेमाल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में पहली चीज दूसरा पहली चीज ये हो गया दूसरा जो भी एंगल आप मानोगे ट्रिग्नोमेट्री बिना एंगल के अधूरा है इट इज जस्ट लाइक जैसे हमारा के अधूरा है ठीक है अकेला रह के तो ट्रिग्नोमेट्री थीटा एंगल या कोई भी एंगल के बगैर उसका कोई मतलब ही नहीं है कोई वर्चस्व ही नहीं है जैसे अगर मैं लिखू टैन तो कोई इंसान कुछ नहीं बोल सकता है इसके बारे में लेकिन अगर मैं बोलूं थीटा तो ये सब इंफॉर्मेशन देगा क्यों क्योंकि यहां पे एंगल 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 लग गया है है अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट बिकॉज के बगैर आप ना साइड बता पाओगे ना वैल्यू बता पाओगे कैसे जो भी एंगल आपका रहता है याद रखिएगा उसका ठीक अपोजिट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनता है और बचा हुआ साइड बेस बनता है बच्चों को यह जनरल कंसेप्शन होता है कि सर खड़ी वाली साइड जो स्टैंडिंग साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और सो रही वाली साइड बेस होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है पिछले साल से ये रूल बदल दिया गया है। जब से कोविड आया ना तो कोविड से ये रूल बदल दिया गया है अब परपेंडिकुलर उसे ही कहते हैं जो थीटा के सामने होता है ठीक है हाइपोटेनस तो हमेशा ऐसा ही वाला साइड होगा जो नाइनटी डिग्री के सामने होगा क्लियर बात और इसके बाद ये एचपी थ्योरम भी आपने पढ़ा होगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ठीक है यहां तक की बात क्लियर अब इसके आगे देखो ध्यान से समझो परपेंडिकुलर और, और बेस तो समझ गए अब मान लो अगर मेरा ये वाला एंगल है एल्फा तो इसका मतलब इसके ठीक ये वाला अपोजिट साइड ये बनेगा परपेंडिकुलर मानते हो सारे हाँ या ना तेजी से बताओ व्हाट इज टैन बेटा टैन क्या है बताते हैं थोड़ी देर में बताते हैं ये अल्फा इसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर सही ठीक है अरे साउंड पता नहीं कौन कर रहा है अच्छा रुको हाँ सही बोले मैं इसी को बंद कर देता हूं बहुत टुडुंग टुडुंग कर रहे हैं लोग एक बार में कितना सारा मैसेज भेज देते हैं अरे तुम लोगों के चक्कर में बोलते बोलते तुम लोगों ने मेरे से काम की चीज बंद करवा दी चलो खैर कोई बात नहीं चलो तो ये हो गया वाई शुड बी स्टडी अब इसके आगे ये सब तो बता दिया हा अब ध्यान से अब आपको बस तीन चीज दो चीज याद करनी है साइन कॉस ठीक है सिर्फ दो चीज याद करनी है तो इसलिए इसमें कोई थ्योरम परपेंडिकुलर ये सब की कोई जरूरत नहीं है ध्यान से देखो साइन साइन मतलब साइन मतलब साइन। ठीक है साइन थीटा के साथ ही बनेगा कोई भी एंगल के साथ थीटा हो अल्फा हो बीटा हो जो भी हो और कॉस थीटा बेटा बस इसको तुम याद रख सकते हो क्या कि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है और ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस बस दो चीज तुम्हें जीवन में याद करना है इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है याद रख पाओगे हा या ना अभी बताओ सारे लोग और गारंटी से बताना कि हाँ सर ये चीज हम कभी नहीं भूलेंगे साइन थीटा होता है पी बाय एच और कॉस थीटा होता है बी बाय एच मतलब बेस बस ये दो चीज क्या हमेशा के लिए ताउम्र याद रख सकते हो पक्की बात बिना बकवास यस ठीक है अब इसके आगे सब तुम यहीं से याद कर लोगे ठीक है इन दोनों को डिवाइड करोगे तो टैन मिल जाएगा थीटा क्या होता है इन दोनों को बस डिवाइड कर दो तुमने पहला साइन याद किया दूसरा याद किया इन दोनों को डिवाइड करो जल्दी बताओ या ना याद हो गया जल्दी बताओ या ना याद हो, हो गया लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो साथ साथ याद करवाना मेरा काम है पक्का कॉपी में लिख रहे हो साथ साथ ठीक है याद हो गया तो आपको याद हो गया साइन आपको याद हो गया कॉस आपको याद हो गया टेन पीवाई एच बीवाई एच और इन दोनों का डिविजन पी वाई बी एच गायब हो जाएगा दोनों तरफ से ठीक है पक्का ठीक है कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले बोल बेटा बोल तुम जितने पंडित को बुलवाना चाहते हो मौलवी को बुलवाना चाहते हो सबको बुलवाओ हरी हरी बुलवाना चाहते हो अल्लाह अकबर बुलवाना चाहते हो सब बुलवा लो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है ज्यादा अपन ऐसा ऐसे भी पंडित और मौलवी लोग से ज्यादा जान पहचान है नहीं तुम सब बुलवाओ ठीक है क्लियर मैं बस साइन और कॉस में खुश हूं ठीक बात चलिए अब आगे बढ़ते हैं सो काटो आबरा का डाबरा जो करना करो कोई कोई लोड ही नहीं है ये हो गया ठीक है अब साइन आपको समझ में आ गया अब साइन कॉस टेन जो मैंने आपको तीन चीज बताया है साइन कॉस और टेन ठीक है अब ध्यान से देखा टैन का एक उल्टा भाई है उल्टा भाई मतलब जब टैन को आप उल्टा कर देते हो रेसिप्रोकल तो ये बन जाता है कॉट टी, टी से समझ जाओगे बहुत ही आसान है याद करना ये टैन होता है इसका उल्टा कॉट होता है मतलब बेसिकली टैन इज शॉर्ट फॉर्म फॉर टैंजेंट टी ए एन जी एन टी होता है टैंजेंट तो ये होता है कोटैंजेंट याद रखोगे जल्दी बताओ हाँ याद रखोगे हाँ पाकिस्तान भूखा प्यासा हरे हिंदुस्तान पाकिस्तान अब दूसरा है कोसेक और सेक मेरे को बताओ कोसेक किसका उल्टा रहेगा और सेक किसका उल्टा रहेगा पहले बताओ कोसेक कोसेक क्या लग रहा है किसका उल्टा होना चाहिए साइन का कि कोश का जल्दी बताओ सबको पता है पहले से ही गजब देखो देखने में लगता है को को तो को को ये को को देखने में लगता है बस होता नहीं है ओरिजिनली में साइन का उल्टा होता है कोसेक को सेक जैसे यहां पे टैन का को टैन हुआ ना टैन का को टैन तो यहां कॉस का को सेक नहीं होता है ठीक है मैं फिर से बता रहा हूं कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक याद रखोगे मजा नहीं आ रहा है सर अच्छा रुको बेटा रुको 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 कौन कौन सा गाना चालू करूं मुन्नी बदनाम हुई किसीला सीला नहीं नहीं बता दो तुम या गैल भैंसिया पानी में नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा बताओ क्या क्या चालू करवाएं गैल भैंसियाँ पानी में चालू करवाएं आपके लिए मजा आएगा पूरा मजा आएगा एक भैंसी भी ले आते हैं हमारे नीचे बा, बांधी हुई है भैंसी मंगवा दें नायक ना मजा नहीं आ है? मजा नहीं आ रहा है क्या करें हम आपके मजे के लिए बताइए जरा अरे लैग हो रहा है वो हम समझ गए तो अब हम क्या कर सकते हैं बताइए इंटरनेट के इतने पैसे दिए अभी तक इन लोगों ने इंटरनेट अच्छा नहीं दिया है हम कोशिश ये जरूर कर सकते हैं कि अभी इंटरनेट वालों को फोन करके चिल्लाऊंगा जरूर कि भाई इंटरनेट अच्छा दो यार बट उसके अलावा क्या करें है? अब तुम बोलो सर मजा नहीं आ रहा है तो क्या करवाना चाहते हो तुम हमसे हैं चलिए खैर आगे बढ़ते हैं तो मुद्दे की बात तुम समझे जो वो ये कि भैया साइन जो होता है साइन थीटा वो पी एच था तो जो कोसेक थीटा होगा मेरे दोस्त ये साइन का उल्टा होता है ना तो कोसेक थीटा आपका इसका उल्टा एच बाई पी बनेगा हम्म कॉस याद करो कॉस थीटा क्या था आपका कॉस थीटा था आपका बी बाई एच याद करो यही दो चीज तो याद करवाई थी मैंने तो सेक् थीटा क्या होगा बेटा इसका उल्टा एच बाई बी सत्य वच्चन. और टैन थीटा मैंने बताया था इन दोनों को डिवाइड कर दो पी बाई बी आता है परपेंडिकुलर बाय बेस तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस तो कॉट क्या हो जाएगा इसका उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर कितनों को समझ आया मेंटी मेंटी ला रहे हैं भैया ला रहे मेंटी चाचा थोड़ा पढ़ तो लो पहले सबको समझ आया पक्की बात हाँ सबको समझ में आया चलिए अब अगर सबको समझ में आया तो इसके आगे चलते हैं हाय ये भी याद करवा दिया अभी अच्छा पहले इस टेबल को देखो सारे और देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या वो तेरी लगता है हमारा इंटरनेट का तार ही टूट गया है ये इमेज सोर्स वाले लोग हाँ खैर चलिए आगे बढ़े अब ध्यान से ज़रा देखो देखो ये टेबल तुम्हें याद रखना है और मुझे पता है ये टेबल याद करना सरल नहीं है आसान नहीं है कठिन है लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वैल्यूज बहुत सारी हैं। जैसे आपको अभी मैंने टोटल कितने पढ़ाए साइन, कॉस टेन और इन तीनों का उल्टा कोसेक, सेक, कॉट टोटल छः रेशियो और हर रेशियो पे पांच एंगल एक दो तीन चार पांच तो सिक्स फाइव थर्टी वैल्यूज आपको याद करनी है अभी थर्टी वैल्यू तो याद होने से रही चाचा इतना तो, तो मोबाइल का नंबर नहीं याद होता है भले चाहे मोबाइल का नंबर कितना भी प्यारे इंसान का हो हैं? तीस, थर्टी मतलब है, है तीस तो मतलब तो याद नहीं होगा तो क्या कर सकते हो तो आप एक काम कर सकते हो वो काम क्या कर सकते हो कि इस इस टेबल को बनाने का तरीका सिखा देता हूं एग्जामिनेशन हॉल में अगर भूल जाओ तो उस तरीके से टेबल वापस से खुद से बना लेना इतना कर सकते हो इतना कर सकते हो सारे तो मैं टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूं ध्यान से देखना ऊपर लिखो जीरो थर्टी सिक्सटी नहीं फोर्टी फाइव सॉरी जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइनटी सत्यवचन और ये सब वैल्यू किसके लिए देखो ध्यान से ये सब वैल्यू किसके लिए तो यहां साइन के लिए क्या हो गया सोचा साइन नीचे कॉस और यहां टैन ध्यान से देखते चलना अरे लिखने दो भाई हाँ ठीक है अब ध्यान से देखो कैसे याद करना है वो समझा रहा हूं आपको करना क्या है आपको सिंपल काम करना है वो ये कि यहां पे आप लिखो जीरो वन टू थ्री लिख दिया जीरो वन टू थ्री फोर लिख दिया अब सारे नंबर्स को फोर से डिवाइड करो जीरो फोर से डिवाइड कर दो कर दिया ठीक बात अब हर एक नंबर पे अंडर रूट लगाओ क्या लगाओ अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट समझ में आ गया क्लियर अब क्या हुआ जीरो बाई फोर क्या होता है बेटा जीरो अंडर रूट जीरो कितना होता है अंडर रूट जीरो भी अंडर रूट जीरो मतलब zero. One का अंडर रूट टू थ्री का अंडर रूट अंडर रूट थ्री ही रहेगा और फोर का अंडर रूट टू रहेगा और रूट फोर बाई फोर वन तो रूट अंडर वन वन रहेगा क्या ये बात सबको समझ में आई जल्दी बताओ हाँ या ना जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू वन ये सबको समझ में आया कैसे बनेगा जल्दी बताओ हाँ या ना? ठीक है अब साइन समझ में आ गया ना बेटा इसके बाद कुछ नहीं समझना है एक बार में बाकी सारी चीजें तुम लिख दोगे ये साइन बना आपका कॉस में क्या करना पता है कॉस में आपको सिर्फ ये करना है कि आप कॉस लिखो यहां पे और ये जो वैल्यूज है ना जीरो वन बाई टू वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू वन ये पीछे से यहां लिखना शुरू करो पीछे से मतलब पहले वन लिखो फिर रूट थ्री बाई टू लिखो फिर वन बाय टू लिखो फिर वन बाय लिखो फिर जीरो लिखो, लिखो आसान नहीं है बताओ जरा तुमने जो बस ये वैल्यू निकालनी सीख गई सीख गए तुम साइन का जीरो वन टू थ्री फोर सबको फोर से डिवाइड रूट अंडर लिख दिया तुमने नीचे वही सारी वैल्यूज बस पीछे से Clear? बन गया कॉस भी इजी था आसान था टैन तो तुम ही बता दोगे मुझे मतलब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है टैन में तो तुमने अभी मैंने तुम्हें सिखाया था बेटा टैन क्या होता है साइन बटा कितनों को याद है अभी अभी अभी, अभी, अभी मिनट पहले सिखाया था टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस कितनों को याद है सिखाया था याद है बस जीरो बाई वन बताते चलो वैल्यू 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 बताओ जीरो बाई वन जीरो मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ कलर चेंज जीरो जल्दी बताओ वेरी गुड यार वेरी गुड वन अपॉन रूट थ्री सही बात वन बाई रूट टू अपॉन वन बाई रूट टू दोनों क्वांटिटी सेम सेम क्वांटिटी मतलब वन रूट थ्री बाई टू अपॉन वन बाई टू सोल्व करो फिर से जल्दी से रूट थ्री और वन बाई जीरो वन बाई जीरो का आंसर का आंसर कौन बता रहा है जल्दी बताओ वन बाई जीरो का आंसर कौन बता रहा है वेरी गुड यार वेरी गुड अनडिफाइंड सत्यवचन इनफाइनाइट या अनडिफाइंड कहते हैं इसे वन अपॉन जीरो इनडिफाइंड होता है अनडिफाइंड होता है या फिर इनफाइनाइट होता है तो उसका ऐसा साइन होता है अब जल्दी से बताओ किसको 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 ये ये लगा 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 इसको इसको एकदम तेजी से तुमने अभी-अभी रट मतलब आ गए तुमको किसको इसको आसान सबको सब यार ओपी, ओपी. That's great, fantastic. तो बस इतना ही तो था आसान ही तो था नहीं था अरे बल्ले बल्ले यार क्विक अच्छा आप मेरे को बताओ कि क्या तुम इसी तरीके से कोसेक सेक और कॉट निकाल लोगे क्योंकि कोसेक तो उल्टा होता है साइन का साइन का उल्टा करना है बस सारे वैल्यूज को रेसिप्रोकल करते जाओ कर दोगे एकदम अरे शानदार शानदार वेरी गुड तो निकल गया मैंने बोला था ना सिक्स वैल्यूज तुरंत तुरंत समझा दूंगा देखो सिक्स वैल्यूज आ गए आपके एक मिनट में हाथ में आ गए कि नहीं आ गए अब कोई भी वैल्यू में तुम कभी एग्जाम में तो नहीं फसोगे और धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे और मुंह जुबानी हो जाएगा एग्जाम में तो तुम नहीं फंस रहे हो पक्की बात है क्लियर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा मेरा तो अब एक काम करो मैं अभी बताऊंगा वेदांतु प्रो के बारे में जिनको वेदांतु प्रो के बारे में पता है वो वीडियो मत छोड़ना बस एक काम करना आप अभी अपने कॉपी पे लिखो टेबल लिखो टेबल ठीक है इसका नाम होता है वैल्यू टेबल सॉरी हाँ वैल्यू टेबल नाम लिखो वैल्यू टेबल अब आपका काम क्या है साइन थीटा मैंने आपको बता दिया है वो वैल्यूज लिखो तरीका मत लिखो बस वैल्यूज लिख लो साइन थीटा फिर लिखो कॉस थीटा ऊपर में चाहो अगर भूल जाओगे तुम फॉर्मूला तो ऊपर में चाहो तो वो तरीका लिख लेना जीरो की वैल्यू लिखो थीटा का उसका उल्टा वाला लिख देना थीटा दोनों का रेसिप्रोकल मतलब दो, दो, दोनों का डिवीजन लिख देना और बचे हुए जो तीन मैंने छोड़े थे कोसेक सेक और कॉट बेटा ये तुम अभी लिख लो क्योंकि मेरे को इसको बताने में चार से तीन से चार मिनट लगेंगे चार मिनट में आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाना चाहिए इंपॉर्टेंट है चार मिनट में ये टेबल आपका अभी अभी कंप्लीट हो और करो क्योंकि मेंटी लूंगा तो दो सौ परसेंट आएगा ठीक है ये टेबल आएगा ही आएगा ही इसका इसका इस्तेमाल आएगा आपको वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी तो जल्दी से यह टेबल बना लो पांच वैल्यूज होते हैं जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी और नाइनटी जल्दी कर लो बेटा जल्दी कर लो जी ठीक है हाँ अब बात करते हैं वेदांतु प्रो की तो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन सेशन बड़े मजेदार सेशन है कैसे मजेदार सेशन है क्योंकि भैया इस प्रो सेशन में आपको सारे का सारे प्रिपरेशन आसानी से हो जाते हैं अब कौन कौन से टाइप के प्रिपरेशन तो देख भाई पहला बात कि आपको एनटीएससी का अभी टर्म वन क्रैश कोर्स चल रहा है एन नहीं टर्म वन का क्रैश कोर्स सीबीएसई का तो सीबीएसई का टर्म वन का क्रैश कोर्स अभी चल रहा है तो जिन जिन बच्चों को दिक्कत है पढ़ने में समझने में डाउट सपोर्ट में इसमें उसमें वॉट वो सारे बच्चे टर्म वन के क्रैश कोर्स में जा सकते हैं क्या क्या पढ़ाया जाएगा यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी सोशल साइंस एंड इंग्लिश ये सारे छह सब्जेक्ट इन छह सब्जेक्ट का जो टर्म वन का सिलेबस है वो पूरा सिलेबस होगा आपका मतलब कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं जाएगा टर्म वन का सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा आपको ठीक बात सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा लाइव सेशन तो होगा ही पढ़ने के लिए इसमें डाउट सपोर्ट भी दिया जाएगा आपको और डाउट सपोर्ट सिर्फ लाइव सेशन में नहीं होगा इवन लाइव सेशन खत्म हो जाने के बाद ट्वेंटी फोर डाउट सपोर्ट बना रहेगा मोबाइल ऐप के थ्रू ठीक है यह सब कितने पैसे में आएगा यह सब आने के लिए पैसे लगेंगे छह हजार तीन सौ सिक्सटी थ्री हंड्रेड रुपीज ठीक बात और अच्छी बात आपका यह कोर्स तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता टर्म वन जब तक नहीं खत्म हो जाता ठीक बात उसके बाद आपको इसमें माइक्रो कोर्सेज अनलिमिटेड फ्री हैं मतलब ये कि भैया माइक्रो कोर्सेज में माइक्रो कोर्सेज में आप चाहे जितने चैप्टर मन करे उतने पढ़ते जाओ मजेदार तरीके से बिना टेंशन लिए तो सारे माइक्रो कोर्सेज आपको इसमें फ्री हैं तो आप पहला तो आधा सिलेबस तो कंप्लीट कराया जाएगा आपको बट आधा से ज्यादा करना चाहो तो सिर्फ 6,300 में पूरा सिलेबस भी पढ़ सकते हो माइक्रो है ना कौन रोक रहा है रोक रहा है कोई? कोई नहीं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो क्लियर बात टेबल डन सर कैन इट बी साइन फिफ्टी डिग्री ऑल्सो नो श्रद्धा 55 डिग्री का वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेवन थाउजेंड प्राइस दिखेगा आप जैसे ही इस इसपे क्लिक करोगे सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड हो जाएगा वैसे ही ये सेवन थाउजेंड दिखेगा क्लिक करोगे सेवन थाउजेंड चेंज होकर सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड हो जाएगा ठीक है आप क्लिक करना बाई कंप्लीट कोर्स पे और क्लासिक ही लेना बिकॉज दोनों का प्राइस सेम है तो जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा फीचर्स है यही ले लेना बाई कंप्लीट कोर्स करना इस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है और प्राइसेज आपको अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज वाले ही हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं ऑटोमेटिकली एचपी प्रो इसमें अप्लाइड होगा hp pro कूपन कोड अप्लाइड होगा, ठीक है चलिए तो लिंक इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ठीक है सबको क्लियर है यहां तक सब जल्दी से बता दो वेदांतू प्रो क्लियर है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आ, देख लोगे या मैं दिखा दूं देख लोगे नीचे नीचे जाओगे ना तो सीबीएसई टर्म 1 क्रैश कोर्स दिया हुआ होगा लिंक चलिए आ जाओ आ जाओ मिस्रा जी आ जाओ मेंटी का टाइम आ गया है मेंटी, मेंटी सत सवर के रेडी है मेंटी को लाएं, जल्दी बताएं भैया मेंटी सत सवर के रेडी है रुको मेरे को कवर करने दो रुक जाओ पहले लेंस कवर करूं, ताकि तुम लोग को कुछ दिख ना जाए और अब मेंटी आंटी आ रही हैं सारे लोग मेंटी आंटी के लिए ताली बजाएं जोर से खड़े हो सारे लोग मेंटी आंटी आ गई मेंटी आंटी आ गई मेंटी आंटी आ गई मेंटी आंटी आ गई यो मेंटी आंटी आ गई मेंटी आंटी आ गई यो पीपल हियर वी हैव द मेंटी आंटी विद अस चलिए कितना अच्छा होता ना मेंटी आंटी के साथ हमारी लाजो भी होती लाजो भी साथ ही साथ मेंटी आंटी को को कंपनी दे रही होती लाजो नहीं है चलो कोई ना नाइन्टी परसेंट वाला तो क्राइटेरिया है ही हाँ 90% परसेंट अगर हो जाएगा तो हम लाजो को बुला देंगे हम बोलेंगे कि लाजो बच्चों का डिमांड है मुन्नी बदनाम हुई उस पर थोड़ा लाजो दिखाओ अपने जलवे चलिए तो कोड है मेंटी का क्या इज थ्री एट फोर सेवन सेवन सिक्स नाइन थ्री थ्री एट फोर सेवन सेवन सिक्स नाइन थ्री थ्री एट फोर सेवन सेवन सिक्स नाइन थ्री 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 एट फोर सेवन सेवन सिक्स नाइन थ्री जे है कोड मेंटी कोड लिख लो लिख लो जल्दी लिख लो भैया सारे लोग आप ही जाओ जल्दी से ज्वाइंट सर आप बस शुरू कर दीजिए अरे वाह अभिनय जी बिल्कुल शुरू कर रहे हैं आप नहीं पढ़ेंगे काव्या जी आपके साथ ही हम भी पढ़ रहे हैं क्यों नहीं पढ़ेंगे पढ़ ही रहे हैं चलिए पांच सवाल हैं और इस बार आपको पांच में ही नाइनटी प्लस लेकर आना है स्टार्ट करो चलो हां जी पांच सौ बच्चे जल्दी जल्दी एडवर्टाइजिंग नहीं बेटा एडवरटाइजिंग तो कब को खत्म हो गया शुरू कर दिए कर दें तुम बोलोगे तो मैं शुरू कर दूंगा अच्छा पहले तो आपको वो दिखाऊ ना क्या कहते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला सवाल जल्दी से शीघ्र शीघ्र। बेटा बोला है कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए बी हम्म ए प्लस बी क्या होगा रुक जाइए भैया ये यार ये लोग क्या करते हैं यार पढ़ाया कुछ और बताया कुछ और हम्म, hmm, सवाल है, क्या करें इसका आंसर बता दूं, आंसर बता दूं, चलो मैं इसका तरीका बता देता हूं थोड़ा लेकिन अभी तरीका भी नहीं बताने का मतलब है क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है आपके आउट ऑफ सिलेबस है चलो कोई बात नहीं तो बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसका आंसर 90 होगा तो इस क्वेश्चन पे वैलिड नहीं है 90 प्लस पे फोन इस क्वेश्चन का आंसर नाइन है सवाल आउट ऑफ सिलेबस दे दिया गया है तो माफी चाहते हैं उसके लिए बेहद खेद है हमें इसका आंसर 90 डिग्री होगा आप बस ऐसे ही आंसर लगा दो मैं पहला सवाल शुरू कर देता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज स्टार्टिंग जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है थ्री एट फोर सेवन सेवन सिक्स नाइन थ्री थ्री एट फोर सेवन सेवन सिक्स नाइन थ्री बट हमें आता था चल झूठे अच्छा <laughs> बेटा तुम मेरे से मजे ले रहे हैं अच्छा पीयूष हाँ वैसे भी कर सकते थे लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं ये वैसे ये तुमने सही बताया पीयूष ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया यार पीयूष ने एक अच्छी बात बताई है कि हाँ इसको आउट ऑफ सिलेबस के बजाय भी कर सकते हैं पीयूष ने अच्छा बताया अभी अभी तुम लोगों को वैल्यू टेबल पढ़ाया था मैंने वैल्यू टेबल पढ़ाया था ना उसमें याद होगा साइन फोर्टी फाइव का वैल्यू कितना आया था जल्दी बताओ चैट बॉक्स में लिखो साइन फोर्टी जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वैल्यू याद है two, तो हाँ उस हिसाब से ए की वैल्यू भी फोर्टी फाइव और बी की वैल्यू भी फोर्टी फाइव में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया सॉरी फॉर दैट तो फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव से आंसर नाइनटी बनेगा ठीक है वो वो भी हो सकता है इसका एक एक जवाब बहुत बहुत माफी चाहेंगे आप लोगों का एक सवाल बर्बाद कर दिया मैंने माफी चाहते हैं कुछ तो था सॉरी माफी चाहते हैं प्राची जी आप याद कीजिए नहीं याद कीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगी तो आप लोगों का एक सवाल बर्बाद करने के लिए माफी लेकिन हाँ इसका आंसर फोर्टी फाइव से आ सकता है हालांकि इसका पूरा सही तरीका जो होता है वो ये होता है साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉस साइन ऑफ 90 B. तो वो लंबा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री uh, फॉर्मूला चला जाता है वो आपके सिलेबस में नहीं है मुझे लगा वो उससे पूछा जा रहा है सो वेरी सॉरी फॉर दैट चलो खैर 604 चार देखो मैंने आंसर बता दिया था बेटा तो शायद हंड्रेड परसेंट आना चाहिए था मैं समझ नहीं पाया कि आंसर बताने के बाद नाइन्टी परसेंट लाते हो क्या तो कैसे जीतोगे बेट अच्छा बेट लगाए अभी तक हमने लगाया नहीं लगा लें बोल के लगाना पड़ेगा या ऐसे ही अंडरस्टूड है चलो मैं लगा लेता हूँ लाजो ऐसे नहीं ये तो आंसर मैंने खुद बताया था ज़बरदस्ती को कुछ भी कुछ भी है मेरे से मजे ये तो मैंने बताया था ये इसमें इसमें बेट अलाउड नहीं है चलो बेट अभी से लगा लेते हैं नाइन्टी से ऊपर लेकर आओगे नाइन्टी से प्लस लेकर आओगे तो कॉल करूंगा जिसको बोलोगे उसको और लाजो को करूंगा चलो ऐसे भी लाजो आजकल खाली घूम रही है लाजो को कॉल करूंगा पक्का डन ठीक है लाजो को कॉल करूंगा और बोलूंगा और, और उससे यही पूछूंगा ए लाजो तू आजकल किधर टुमके लगा रही है यही पूछूंगा डन लेकिन 90 से ऊपर पे पूछूंगा आ, अभी एटी फाइव वाला कुछ नहीं एट्टी फाइव वाला नहीं भाई साहब सवेरे तुम लोग दो बार हराये हो मेरे को और सिर्फ एटी फाइव के चक्कर में हराये हो भाई इस बार एटी फाइव वाले में मैं नहीं फंसने वाला ना बेटा ना सवेरे में हार चुका हूं ना इस बार ये गलती ना करूंगा मैं चलो देखें जरा तो लीडर बोर्ड सबेरे भाई मेरे मेरी तो लग गई थी हाँ वैदिक जय हर्ष बाबा जय वैदिक भाई दृष्टि गुप्ता सर मेरे साथ हीस्ट करेंगे। हीस्ट करेंगे नहीं बेटा खेलने में थोड़ा कमजोर हूं मैं मैं पढ़ाता हूं कौशिकी कल मेरा और कनक दी का बी कल मेरा और कनक दी का बी से मैं समझ रहा हूं शायद बोलना चाह रही है कि बर्थडे है तो कौशिकी वेल इन एडवांस मैंने कल ही मतलब टाटा के जितने शेयर्स है ना पूरे खरीद लिए तो अभी परसों तरसों में न्यूज आ जाएगी कि हर्ष प्रियम इज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ टाटा सन्स तो कल ही मैंने स्टॉक मार्केट से सारा टाटा का शेयर ही उठा लिया पूरा अभी अंबानी को देख रहा हूँ मैं उसको दो तीन दिन का टाइम दिया हूं। मैंने बोला है कि ठीक ठाक से कर ले काम नहीं तो फिर तेरा भी शेयर खरीद लूंगा मैं स्टॉक मार्केट में बहुत मतलब तगड़ा होल्ड हाँ है मेरा बेटा आदर्श चल ठीक दो अरे बेटा चल आगे बढ़ते आगे बढ़ते लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा तुम लोगों को पता है ना जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं तुमको पता है ना मेरा टाई अप हो चुका है सीबीएसई से तो सीबीएसई ने बोला है इस साल जो बच्चे मेरे वीडियो पे चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे उनको फॉर्म नहीं दिया जाएगा तो आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाओगे और जो वीडियो लाइक नहीं करेंगे उनके दस नंबर कट रहे हैं तो वो आप देख लीजिएगा अपने से मतलब सी ने मेरे को बोला है मतलब हम लोग की अच्छी बनती है तो वो आप बाकी देख लेना आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सारे लोग जरा ध्यान से सेकेंड क्वेश्चन तो, ये तो हो गया हालांकि सॉल्व तो इन लोगों ने ऐसे ही किया है नालायक चलो अगला सवाल ध्यान से देखो भाई टू साइन टू थीटा हाँ चलो ठीक है ये ये बन जाएगा। जल्दी वैल्यू टेबल निकालिए अपना कितने लोग वैल्यू टेबल निकाल चुके हैं वैल्यू टेबल बनाया, बोल, बनाने बोला था ना वैल्यू टेबल वैल्यू टेबल वैल्यू टेबल याद है अभी अभी भी लिखवाया था तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू साइन टू थीटा तो आप लिखोगे साइन टू थीटा बराबर ये टू नीचे चला जाएगा क्या आ जाएगा रूट थ्री बाई टू साइन रूट थ्री बाई टू कितने पे देता है ये वैल्यू टेबल बताएगा बेटा जय तो वैल्यू बताओगे। अब वैल्यू टेबल टेबल बताओगे नहीं बताया हो तो कुछ कर नहीं सके शुरू कर आई स्टार्ट द टाइम दे दिया हूं पूरा पूरा आपको स्टार्ट करू यस ध्यान रखिएगा आपसे थीटा पूछा है थीटा आपसे थीटा पूछा गया है, ठीक है चलिए तो हम शुरू करते हैं सवाल शुरू होता है अब चलिए भाई सर फ्री फायर खेलोगे नहीं बेटा चल भाई जल्दी जल्दी सर आप एमसीक्यू स्कोर बूस्टर करवा रहे हो नहीं बेटा हम क्या कहते हैं चंपक लाल की चौधरी कहानी सुना रहे हैं चंपक लाल चौधरी की कहानी सुना रहे हैं क्या बोल रहे थे आओ तुम भी सुनो रस लो इस कहानी का बहुत मजा आता है चलिए तो जिनका जिनका हो गया अच्छी बात सिक्स जिन्होंने अभी तक मेंटी नहीं ज्वाइन किया कर लीजिए हां तो हम क्या बोल रहे थे साइन कितने पे रूट थ्री बाई टू देता है तो अगर आपको ध्यान हो तो साइन 60 पे रूट थ्री बाई टू देता है अपना वैल्यू टेबल खोल के देखिए साइन 60 रूट थ्री बाई टू के बराबर है मतलब 60 डिग्री और टू थीटा बराबर होने चाहिए तभी तो ये बनेगा तो 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू टू थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई आ गई बुझे 30 इज द आंसर। आय हाय हाय देखा इसीलिए मुझे पता होता है कि तुम लोग क्या गलती करोगे मैंने इसीलिए ध्यान से आपको बताया था बेटा आपसे थीटा पूछा है टू थीटा ना पूछा है टू थीटा की वैल्यू साइन 60 थी मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने 49 परसेंट गलती की भाई सोचो अगर ये दोनों मिल जाते तो पत, हर हाल में मेरा पत्ता साफ था 90 परसेंट तो हो ही जाता सोचो अगर ये सिली मिस्टेक वाले इधर आ जाते तो 49 नाइन प्लस फोर्टी कितना होगा 92 परसेंट आप बस करेक्ट होने से सिली मिस्टेक रह गए बेटा देख लो परसेंट के ऊपर कॉल है बेट जीतोगे 90 परसेंट नहीं तो फिर कुछ नहीं नाइन्टी टू हो जाता बेटा अगर सही होते तो सात सौ बच्चों ने आंसर दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं साढ़े तीन सौ गलत थे उस मतलब सिली मिस्टेक कर गए उसमें हाँ जी देखें जरा तो वैदिक कौशिकी आदर्श अमन फ्रॉम वैशाली बिहार नीलेष दृष्टि आर्यन चैटर्जी माय नेम ऑन इंस्टाग्राम अच्छा आर्यन मैं भूल गया अभी अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ अच्छा, सर अदिति मैम की जॉब क्या है अदिति मैम की जॉब क्या अदिति मैम इज अ बिजनेस शी डज बिजनेस बिजनेस वो करती है हर्षित आईफोन फोन थर्टीन का गिव अवे करो पहले टेक अवे होता है बेटा तब गिव अवे होता है ना मतलब मैं उसी चीज को दे सकता हूं जो मेरे पास हो तो आप सारे लोग सबसे पहले क्या करो हर सर को टेक अवे करने दो तो तुम्हें जितने के पास आईफोन है सबसे पहले मेरे को भेजो फिर मैं यहां से गिव अवे करूंगा ना पक्का करूंगा डन पक्का प्रोमिस आई चपत करूंगा पहले एक बार दो तो पहले दो फिर लो ठीक है टेक अवे देन गिव अवे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सारे लोग जरा ध्यान से अगला सवाल क्या कहता है तो ये तो आंसर आ गया थर्टी डिग्री टू है थर्टी तो डिग्री अगला सवाल है रूट 3 tan 2 थीटा 3 तो ध्यान से देखना फिर से टू थीटा वाला मामला है वैल्यू टेबल निकालिए चा और इस बार हम मदद करने के मूड में नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा है अंदर से कि कहीं ऐसा नहीं पिछले बार वाला जो तुम लोग गलती क्यों इस बार अगर सही कर लोगे तो 92 टू परसेंट बच्चे सही हो जाएंगे तो इसलिए हम इस बार चुप हैं कहीं इस बार गड़बड़ हो सकती है तो इसलिए हमें चुप रहना ज़्यादा सही है आप लगाइए लगाइए अपना दिमाग लगाइए इस बार कोई हेल्प नहीं जल्दी से आंसर बताइए जल्दी और दूसरा कि फिर हमें बताइए कि हम शुरू कि नहीं को शुरू करेंगे नहीं लग तो नहीं रहा इस बार इस बार तो लड़ाई लग रही है मेरे को आधे कुछ और बोल रहे हैं आधे कुछ और बोल रहे हैं ठीक है स्टूडेंट्स का खौफ हाँ रहता है ना भाई जीतना कौन नहीं चाहता है मैं भी चाहता हूँ जीतू सर शुरू करो स्टार्ट स्टार्ट डन बता दीजिए प्लीज हम का बताएंगे जीतना तुमको बैट लगी है भाई ऐसे कैसे बैट में कोई कोई मदद नहीं ईमानदारी से खेलो 700 बच्चे आ चुके हैं शुरू कर रहे हैं हियर इज द क्वेश्चन स्टार्टिंग हाँ जी सवाल शुरू हो गया आप सबका ध्यान से देखिए रूट थ्री टैन टू थीटा माइनस थ्री बराबर जीरो थीटा बराबर क्या तेजी से ऑलमोस्ट 600 सौ बच्चों ने आंसर दे दिया है जल्दी करो जल्दी ये हलवा था अच्छा देखते हैं परसेंटेज देखते हैं कितना हलवा है परसेंटेज बता ही देगा अभी चलो 660 बच्चे मैं अब सौ साठ बच्चे बताता हूँ माइनस थ्री है इसको तो इधर ले जाओ पहले तो हो जाएगा रूट थ्री टैन टू थीटा बराबर थ्री अभी जो रूट थ्री है उसको नीचे भेजो तो हो जाएगा टैन टू थीटा बराबर थ्री बाई रूट थ्री थ्री बाई रूट थ्री कैंसिल होगा तो ये रूट थ्री दे देगा तो फाइनल क्या आया आपका टैन टू इक्वल्स टू रूट थ्री टैन टू कैंसिल करेगा इसको रूट थ्री टाइम्स में तो टैन टू रूट थ्री आया और टैन टू थीटा जो रूट थ्री आया रूट थ्री बेसिकली होता है टैन सिक्स वैल्यू टेबल टेन टू थीटा रूट थ्री रूट थ्री क्या होता है टेन सिक्सटी मतलब अब आपको दिख रहा होगा ये जो टू थीटा है ये सिक्सटी के बराबर है अब तो टू थीटा सिक्सटी के बराबर तो टू से सिक्सटी कैंसिल करो थीटा की वैल्यू थर्टी आंसर बी है देखें जरा क्या बात है बचते हुए हर्ष प्रियम बिल्कुल सेफ साइड में धन्यवाद धन्यवाद जनता हम बच गए 62 बच्चे सही हैं बहुत सारे 15 डिग्री पे आ गए थे वैल्यू टेबल नहीं याद करोगे चचा तो मुश्किल है याद है एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि बेटा वैल्यू टेबल लिख लो मेंटी में इसकी जरूरत पड़ेगी याद आ रहा है नहीं कुछ याद आ रहा है तो बताओ याद आ रहा है हमने बोला था मानोगे नहीं तो यही होगा मुश्किल पड़ेगी बहुत सारे लोग लिख लिए होंगे इसीलिए ये सारे बच्चे सही हैं कितने बच्चे 430 बच्चे लिखे हैं सिक्सटी टू परसेंट बाकी लोग नहीं लिखे हैं मुश्किल है लिखिए जरूरी है देख रहे हो मेरी बात जो नहीं मानता मुश्किल में पड़ता है तुम मेंटी से हार रहे हो एक बेचारा जीवन से हार रहा है समझ रहे हो ना बात मानो मेरी नहीं मानोगे तो फिर ऐसे ही अकेलापन उदासी वैदिक कौशिकी आदर्श अमन निलेश पीयूष प्रियर्मो बैच सर पीयूष बस आने वाला है जैसे ही प्रियर्मो का फॉर्म निकल जाता है बैच शुरू हो जाएगा आर्यन चाटर इफ यू डिसलाइक यू आर व्हाट इज दिस यार व्हाट इज दिस मतलब देखो मुद्दा क्या है गाली हमें भी आता मतलब ऐसी बात नहीं है सीखी है हमने भी अच्छे से लेकिन देकर मजा नहीं है असल मजा जेंटलमैन बनने में रिक्शा वाला तो कोई भी बन सकता ना यार सोचो जरा नहीं तुम सोचो खुद ही सोचो देखो तुम अगर शुद्ध गालियां सुनना चाहते हो ना और सीखना चाहते हो तो मैं तो कहूंगा कि दो चार दिन निकलो घर से बाहर थोड़ा रिक्शे वालों के साथ ऑटो वालों के साथ थोड़ा वक्त बिताओ अच्छा महसूस करोगे तुम्हें लगेगा कि जीवन का सारा सार सारा सत्य वही है और अगर तुम और शुद्ध चीजें सीखना चाहते हो तो हम तो कहते हैं एक दिन ठेके पे जाओ ठेका समझते हो जहां सब सेटिंग रहती तो थोड़ा ठेके पे जाइए वहां पे सीखिए उन लोगों से एकदम शुद्ध शुद्ध सिखाएंगे तरीके वाला चलिए अब हमारा हम मतलब आपने लिखा तो ठीक है हमारे काम की बात है लेकिन थोड़ा

चलिए अब अगला सवाल सारे लोग जरा ध्यान से तो थीटा थर्टी डिग्री आंसर आ गया थीटा थर्टी डिग्री अगला ये रहा मैंने तो की वैल्यू अब और ज्यादा समझ आएगा फील होगा तुम्हें कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेना चाहिए था देखो तो एग्जाम में भी इतने सारे क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक तो तो टेबल पे बहुत ज्यादा जरूरी है तो तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यू टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है जल्दी जल्दी वैल्यू डालिए ये टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव है मतलब आपका जो टेन फोर्टी फाइव आएगा उस वैल्यू का होल स्क्वायर कीजिएगा माइनस कॉस थर्टी जो आएगा वैल्यू टेबल से उसका होल स्क्वायर कीजिएगा इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू लिखिए और मल्टीप्लाइड बाय कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू लिखिए ये करना है आपको आराम से टाइम लीजिए टाइम लीजिए, नो इश्यूज हमें दिक्कत ही नहीं है जैसे ही क्वेश्चन आता है सारे नेताजी चालू हो जाते हैं अपने चुनावी क्षेत्र में सारे नेताजी लोग चालू हो जाते हैं भाइयों और बहनों इस बार वोट सी पे लगाएं। भाइयों और बहनों इस बार वोट बी पे लगाएं। भाईओ बहनों हमारी सुनिए इस बार वोट ए पे लगना चाहिए बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया सही है शुरू करें स्टार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने के लिए हम तैयार ये रहा सवाल हियर वी गो जल्दी शीघ्र शीघ्र हाँ तो सारे नेताजी लोग चालू हैं ए बी सी डी लेके चलिए लगाई लगाई जल्दी वोट कीजिए जल्दी जल्दी सी पे लगाओ बी पे लगाओ ए पे लगाओ कोई डी भी बोल दो यार डी चुनावी क्षेत्र खाली लग रहा है हमें कोई डी पे भी बताओ कुछ अच्छा डी नेगेटिव हो गया नहीं नेगेटिव तो इधर भी है आईसीएस स्टूडेंट्स हाँ आशुतोष आई नो दैट काफी काबिल बच्चे होते हैं चतुर बच्चे सर यू आर माई फेवरेट अच्छा गौरव जी धन्यवाद भाईयों बहनों <laughs> सही है नेताजी सही है नेताजी बहुत बढ़िया चलिए जल्दी 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 देख भाई क्या क्या वैल्यू होती है टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वैल्यू टेबल याद है वैल्यू टेबल में टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन है वन का cos 30. Cos 30 की वैल्यू वैल्यू टेबल में रूट थ्री बाय टू है बराबर एक्स इन टू साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू वैल्यू टेबल में वन बाई रूट टू है और इन टू कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू भी रू, रू, वैल्यू टेबल में वन बाई रूट टू है आपको इसको सॉल्व करके एक्स लाना था आपको इसको सॉल्व करके एक्स लाना है काफी ज्यादा हिंट दे दिया हूं अभी भी वक्त बच रहा है दस सेकेंड जल्दी जल्दी करो हम बनेंगे नेताजी बहुत बढ़िया नेताजी बनिए बनिए नेताजी तीन दो एक समय समाप्त अबे नब्बे परसेंट तो नहीं आओगे ना तुम लोग छाछ एट्टी टू परसेंट है चलिए लेकिन यह बात है कि सिक्सटी टू से एट्टी टू बीस परसेंट का जंप मारे हो अब हमें लग रहा है दिल्ली दूर नहीं है नाइन्टी परसेंट आने वाला है क्यों नाइन्टी परसेंट के लिए दौड़ने वाले मेधावी बालकों नाइन्टी परसेंट आने वाला है चलिए अच्छी बात है 82 टू परसेंट बढ़िया सॉल्व करके दिखा देते हैं देखो भैया जरा ध्यान से वन का स्क्वायर तो वन होगा माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री टू का स्क्वायर फोर वन माइनस थ्री बाई फोर वन माइनस एक्स इंटू वन बाई रूट टू रूट टू तो बेटा वन इंटू वन तो वन होता है रूट टू इंटू रूट टू रूट फोर होता है जो कि टू के बराबर सही बात तो टू से कटेगा फोर टू टाइम्स में और ये बच गया 1/2 x 1/2 x तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 c इज द आंसर कितनों को समझ में आया जल्दी बताओ सर मेरा दिल धड़क रहा है अच्छा अच्छी बात है बेटा दिल धड़क रहा है इसका मतलब अच्छी निशानी है आप अभी भी जिंदा हो सच में मतलब मैं सही बता रहा हूँ दिल धड़क रहा है इसका मतलब तुम एकदम श्योर रहोगे तुम जिंदा हो एकदम टेंशन इज नहीं लेने का कोई कुछ भी बोले कि तुम मर गए हो तुम नहीं जीवित हो ऐसा मानने का तुम बोलना मेरा दिल धड़क रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक्स की वैल्यू वन बाई टू बॉय ये बच्चे मासूम बच्चे सर मेरा दिल धड़क रहा है ओए चलो भाई देखें जरा सारे सेम दिख रहे हैं एक वन आया है ए वन बी टू सी थ्री डी फोर ई फाइव वेरी गुड बेटा और मार्स ये दो नए बच्चे आए हैं बाकी सारे सेम है कौशिकी कल मेरा और कनक का दी का बर्थडे है टॉप पे चलिए अब आखिरी सवाल देखो भैया आखिरी है अब बस आखिरी है सारे लोग तैयार जो जो मेंटी नहीं ज्वाइन किया अभी भी ज्वाइन कर लीजिए आखिरी में हो सकता है आपके दोस्तों को आपकी जरूरत पड़ जाए तो मैं फिर से बता रहा हूं देखो भैया मेंटी का कोड देख लो किसी को देखना है तो थ्री एट फोर सेवन सेवन सिक्स नाइन थ्री जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो थ्री एट फोर सेवन सेवन सिक्स नाइन थ्री हो सकता है आपके दोस्तों को जरूरत पड़े आखिरी सवाल ये रहा अबे ये तो कतई आसान है क्या करूं इन इन लोगों का अगर वैल्यू टेबल इनको मिल गया इन इन्हें वैसे सबने वैल्यू टेबल नहीं बनाया होगा नाइन्टी परसेंट ले आओगे इस बार ऐसा सवाल भी वैसा ही दिख रहा है मेरे को लग रहा है आ ही जाएगा क्या भाई मेंटी मत में ज्वाइन करो कोई मत ज्वाइन करो नहीं नहीं वो कैंसल मैं जो अभी बोल रहा था वो कैंसिल मेंटी मत में ज्वाइन करो बेकार होता है में मेंटी उन्टी कुछ काम का चीज नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हमेशा लगती है शुरू करें मेंटी मेंटी शुरू करें जल्दी बताइए जल्दी बताइए मेंटी शुरू करें महाभारत खत्म हो गया भाई यस मेंटी शुरू करें सर आप गया लग तो मेरे को ऐसा रहा है चलिए भाई मेंटी शुरू कर रहे हैं हम तो स्टार्टिंग द मेंटी हियर पांचवा सवाल आपके सामने ये रहा हाय राम इस बार तो लग रहा बहुत ही आसान सवाल दे दिया इन लोगों ने कितना टाइम दिया भाई देखें जरा एक मिनट अरे बाप रे अभी यार जब खुश होते रहो ना तो किस्मत अचानक से कुछ ऐसा कर ही देती है एकदम चार सवाल तक में कितना खुश था कि अब तो निकल निकल गया निकल गया जीतूंगा जीतूंगा पांचवा सवाल आसान दे दिए लोग यार पता नहीं क्या होगा भगवान जाने अल्लाह मालिक का होगा इसका पता ही नहीं चलो देखते हैं इस बार तो मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं आखिरी सवाल है भाई जान बचे कहीं इसमें हार गया तो फिर नाम खराब होगा सर फोन लगाओ सच में लगता है फ़ोन लगाना पड़ेगा क्या जय भगवान बचा ले भाई बचा बचा ले इज्जत बचा ले मेरी कहीं ऐसा नहीं कि इज्जत खराब हो जाए मज़ा आ गया लग रहा है 670 में से 600 सौ बच्चे रुक 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 रुक, 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 रुक भाई दे निकालने दे दिमाग में सिक्स सेवेंटी में से सिक्सटी सेवन को हटाया तो 603 तीन तीन बच्चे 90 परसेंट होते हैं 601 सौ एक आया है अब अगर ये कहीं राउंड फिगर कर दिया तो मेरी तो निपट लेगी अबे 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 यार ये एटी नाइन पॉइंट समथिंग समथिंग हो रहा है राउंड फिगर कर देगा अबे शिट मैन ये तो किस्मत ने खेल मतलब आज तो खेल हो गया भाई ये तो ये, ये सही में कर्मा कर्मा इज अ बिच ओ माय गॉड ये 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 क्या करूं मैं टच करूं शिट मैन शिट मैन अबे नब्बे परसेंट धत्तेरी के अबे यार आखरी में हारा एकदम आखिरी में ना हाय अल्लाह अबे तुम लोग पांचवे भी जीत गए ही मचा दियो भाई गजब ही मचा दिए तुम लोग अब क्या करना है मेरे को बताओ भाई बताओ क्या करना है बताओ लाजो को फोन करूं कहा है मेरा फोन कहा है भाई लाओ यार मेरा फोन दो कोई अरे मेरा फोन कटे रुको रुको एक मिनट मैं अपना फ़ोन मंगाऊ थो, थोड़ा किसी से फोन मंगाया हूँ चिंता ना करो जय तो चोट हो गया भाई आज जय खुशी खुशी वाली जीवन जी रहा था मैं मैंने लगा कि मैं बस जीतने ही वाला हूँ मतलब इतना खुश था अंदर से मैं मुझे लगा मैं बस जीतने ही वाला हूं बस आखिरी में चोट हो गई जीवन में यह भी आप लोगों के लिए सीख है बेटा जब तक एकदम जीत नहीं जाओ ना तब तक एकदम खुशी नहीं मनाने का हाय राम नाइन्टी परसेंट और ये राउंड फिगर वाला हुआ है मतलब इस बार किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया है चलिए अरे नहीं पहले देख लेते हैं यहाँ पे यह नाइन्टी परसेंट था ना इसका फोटो ले लो मैं रुको भाई आने दो अरे फोन दे दो भाई चाचा मेरा फोन दे दो डांस अरे दो भाई फोन दो फोन दो लो मेरा फोन ही नहीं मिल रहा है अच्छा चलिए हम 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 देख लेते हैं मतलब इंस्टाग्राम पे बच्ची तो चली जाएगी हमको लगता है कौशिकी विनर है हाँ ओ भाई ट्रिपल नाइन तेरी गजब तो कौशिकी इज विनर कौशिकी के लिए तालियां हो जाए वेरी गुड फैंटास्टिक फैंटास्टिक कौशिकी जी आपका ये फोटो लीडर बोर्ड का फोटो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जा रहा है स्कोर हर्ष, और आप का विजेता चेहरा तो नहीं लेकिन विजेता नाम मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट होगा आ, मेरा फोन मिल गया मुझे तो चलिए पहले मैं फोन करने के पहले जरा फोटो खींच लू कौशिकी जी की तो हियर वी गो चलिए तो ये खींच लिया हमने फोटो अब हाँ लाजो को फोन करना है रुक फोन करते हैं यार कहाँ गया कहा गया हाँ देख लगा दिया अब नहीं उठाया तो फिर मेरे को मत बोलना क्योंकि अभी शाम का टाइम है उसका सेशन होगा चल देखते हैं ये ऐसा नहीं लग रहा बूंद बूंद पानी गिर रहा है कभी गिर रहा है ज्यादा कभी नहीं गिर रहा है तुक, 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 तुक. अरे explain, अच्छा, explain, अरे अच्छा ये था था बेटा बहुत ही simple था explanation. Sec square 60 है है ना की होती तो मतलब स्क्त का 60 की वैल्यू टू होती है क्योंकि होता है तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो रेसिप्रोकल मतलब टू टू का स्क्वायर फोर माइनस वन आंसर थ्री फोर माइनस वन आंसर थ्री ठीक है ये होगा इसका एक्सप्लेनेशन यार ये तो लाजो ऐसा लग रहा है लाजो के यहाँ पानी गिर रहा है बोलो कट गया भाई टू 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 करते हुए कट गया देख मेरी गलती नहीं है सच में मेरी गलती नहीं है मैंने फोन लगाया तुम्हारे सामने लाजो का फोन नहीं लग रहा है अमृत सर यार अमृत सुबह ही फोन नहीं उठाया था अमृत को बोलने के लिए अः अमृत 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 को फोन अमृत अच्छा अमृत को फोन करो मैं लाजो एक बार और ट्राई करू अमृत अमृत को फोन चल अमृत को फोन करते हैं फोन नहीं उठाता यार वो फोन उठाए तब तो यार रुको एक बार लाजू को ट्राई कर लेते हैं एक आखिरी ट्राई अब ये नहीं फोन उठाया तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा उसके बाद अब अगले दिन ंकना नहीं वो एक बार सुबह मामू बन चुकी है अब दो रोज रोज मामू नहीं बनेगी वो अब एक महीने बाद लगाऊंगा ना तब ल, तब बनेगी हाँ। चल भाई फोन नहीं लग रहा इसीलिए मैं बोलता हूँ लाजो का नाम मत लिया करो और किसी को भी फोन लगवा लो लाजो को मत लगवाओ लाजो फोन उठाती नहीं है और अगर मतलब या तो फोन लगता ही नहीं है और लग गया तो उठाती नहीं है लाजो इज नॉट गुड देखो लग ही नहीं रहा चल भाई नहीं लग रहा है इसका फोन। आ, को अभी नहीं, अगले सेशन में पक्का। या प, आ, चलो ड्यूज रहा अगले सेशन में मैं ऐसे भी अमृत को फोन लगा दूंगा ठीक है डन अगले सेशन में तुम एक बार भी 85% परसेंट ले आए तो अमृत को लगा दूंगा आज का ड्यूज और बाकी 90% परसेंट प्लस वाला तो रहेगा ही रहेगा ठीक है चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आ यार आप आज छोड़ देते हैं क्योंकि अभी मैं इसलिए भी नहीं लगाना चाह रहा हूँ ना बिकॉज अब इस टाइम पे सबका सेशन होता है शाम का टाइम है ना तुमको पता है वेदांतुपुर के जितने सेशन हैं वो सारे शाम में चलते हैं तो शाम में चलते हैं तो इसलिए सारे लोग सारे टीचर मैक्सिमम शाम को बिजी रहते हैं तो दैट्स वाई हो सकता है लाजो ने भी अब अपना फोन उसमें डाल रखा हो क्या कहते हैं फ्लाइट लाइट में डाल रखा हो तो लाजो हो चाहे फूलमती हो बसंती हो सब सब वैसे ही है ठीक है चलो तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मजा आया मुझे और अच्छा लगा देख के कि आखिरी आखिरी तक आप लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरी कार आखिरी वाले सवाल में आप लोगों ने 90 परसेंट ठोक दिया दैट्स ग्रेट फैंटास्टिक ऐसे ही करते रहो और जमे रहो जिनको जिनको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को जरूर लाइक करना चैनल सब्सक्राइब कर देना और नीचे अपने कमेंट्स डाल देना कि कैसा लगा मजा आया नहीं आया ठीक है तो आज का सेशन यहीं तक था आई गेस इसके अलावा ये पूरा सेशन का सोल्यूशन भी है और ये सेशन डिवीजन हो गया आपका होमवर्क आपका ये रहा तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसका होमवर्क का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है तभी होमवर्क रॉकर्स आप आएगा ठीक है आप होमवर्क डालोगे तो जो टॉप फाइव बच्चे हैं उनका नाम आएगा अगले सेशन में ठीक है अब जो जो बच्चे वेदांतों के कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मैं आपको दिखा भी देता हूं बस होगा क्या ये जो वीडियो चल रहा है इसी वीडियो में आप नीचे आ जाइए इस वीडियो में आप जैसे ही नीचे आओगे

एक्सप्लोर कीजिए एंड गेट टू डे से अनडाउटेडली बहुत ही मजा आने वाला है ठीक है चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन यहीं तक था उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा अपने कमेंट्स अपने फीडबैक जरूर बताना और इसी के साथ अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते वापस नए धमाकेदार सेशंस के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय गुड नाइट बाय